हेलो एवरीवन, निधि फूड टेक में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक बहुत ही बेहतरीन ऐप, जिसे यूज़ करके आप अपनी एक नॉर्मल सी फ़ोटो को एक प्रोफेशनल फ़ोटो में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको उस ऐप के बारे में। लेकिन उससे पहले, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले हमें क्या करना है, उसके लिए हमें प्ले स्टोर पर जाना है अपने फ़ोन में। मेरा प्ले स्टोर ये रहा। देन प्ले स्टोर के जाने के बाद हमको यहाँ पे सर्च करना है अडोब फोटोशॉप। सो दिस वन, अडोब फोटोशॉप को हमें इसे खोलना है। मैंने ये ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है अपने फ़ोन में, तो अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया है तो इसे इंस्टॉल कर लीजिए एंड देन यूज़ करिए। सॉरी, स्टार्ट करते हैं। मैंने इसे ओपन किया तो ये मेरी गैलरी खुल के आ गई है। ये सारी फ़ोटोज़ मैंने एडिट कर रखी हैं इसमें। सो आप ये ऑल फ़ोटोज़ जहाँ पे लिखा है कि ट्रायंगल बनाएं, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आप अपनी फ़ोन की गैलरी में आ जाएंगे। ये मेरी फ़ोन की गैलरी खुली हुई है, तो आप इसमें से कोई भी एक फ़ोटो ले सकते हैं। तो मैं अपने कैमरे में से ले रही हूँ, एक फ़ोटो सेलेक्ट कर रही हूँ। सो मैं एक फ़ोटो नॉर्मल सी ले लेती हूँ। आई एम टेकिंग मैं ये फ़ोटो ले लेती हूँ एक एडिट करने के लिए। ये टाइम लगाता है थोड़ा सा लोड होने में। देखिए आ गया। सबसे पहले मैं आपको ऐप के बारे में इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ, उसके बाद हम एडिट करते हैं ये। सो वीडियो थोड़ी लार्ज हो सकती है, तो आप प्लीज़ बने रहिए। सो मैं आपको बताती हूँ, पहले ये बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे दे रखे हैं। देखिए आप नीचे, नॉर्मल, फ्री, चार्म, वाइट ब्लैक, वाइट एंड वाइट एंड पोर्ट्रेट, नेचर, स्प्लैश, डियोटोन। तो ये सारे एक फ़िल्टर हैं, तो आप इनमें से कोई भी लगा के यूज़ कर सकते हैं। देख सकते हैं आपकी इमेज किस में अच्छी लग रही है, तो आप वो लगा सकते हैं। तो ये देखिए, जैसे मैंने नॉर्मल पे क्लिक करा तो नॉर्मल आ गया। ये देखिए, आप इसकी ब्राइटनेस को इंक्रीज़ भी कर सकते हैं और लाइट भी कर सकते हैं। देखिए जैसे ये है, ये इंक्रीज़ हो गया, ये लाइट हो गया, देख रहे हैं आप। ये देखिए, ये इंक्रीज़, ये लाइट, तो आप ऐसे कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे फ़िल्टर देखे हैं। देखिए ये यहाँ पे दे रखे हैं, नॉर्मल, वाइब्रेंट, ऑटम, स्प्रिंग, समर, विंटर, इनवर्ट, ड्यूनो, पेस्टल, हेज, कोई, एक्वाटिक, मिस्टी, डेपर, ड्रीम, बहुत सारे हैं। ये देखिए ग्लो, जो भी आपके पिक में अच्छी लगे आप वो यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ब्लैक एंड वाइट बनानी है तो इसमें ब्लैक एंड वाइट के भी बहुत सारे ऑप्शंस दे रखे हैं। ये देखिए, बहुत ही बढ़िया तरीके से आप इसमें एडिट कर सकते हैं। देखिए फ्री साइज भी दिया है, मेमोरी वन। ये देखिए, अगर आपको नॉर्मल करनी है, बहुत सारे इसमें ऑप्शन है। देखिए चार्म 11, चार्म 14, ब्लैक एंड वाइट में अगर आप चाहेंगे तो भी आपको बहुत सारे, देखिए बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। देखिए ये देखिए, कितने बढ़िया बढ़िया ऑप्शन दे रखे हैं इस पे। ये रहा पोर्ट्रेट। देखिए पोर्ट्रेट में अगर आपको अपनी पिक करनी है, बनानी है, तो आप पोर्ट्रेट में भी बना सकते हैं। देखिए कितना बढ़िया इसमें फिल्टर दे रखा है। ये देखिए विंटेज ग्लो, एक अलग ही लुक आ रहा है आपकी पिक में। देखिए तो ऐसे ही बहुत सारे इसमें फ़िल्टर ऑप्शन हैं। देखिए आप पोर्ट्रेट में जाके ग्लीम ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। मेरे को ये ऑप्शन बहुत ही अच्छा लगता है, सॉरी ये फ़िल्टर, तो मैं यूजुअली ये यूज़ करती हूँ अपनी पिक्स में। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ, फिर एडिट करके दिखाऊंगी मैं अपनी पिक को। देखिए स्प्लैश है, इस पर पीछे का पूरा बैकग्राउंड का कलर ही चेंज हो जाएगा आपकी इमेज का। देखिए ये कुछ डियो टोन है, बिल्कुल ही चेंज कर देते हैं ये कि लाइट, इसे आप डार्क और कम भी कर सकते हैं। ये यहाँ पे दे रखी है, देखिए मैं चला रही हूँ इसको स्क्रीन पर। सो ये बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे। सो अब हम नीचे दूसरे फिल्टर की ओर चलते हैं। ये नीचे बीटा दिया हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो इस पर, सॉरी पहले मैं यहाँ नॉर्मल पे आ जाती हूँ, नॉर्मल इमेज पे हमारी ये। सो बीटा ऑप्शन पे हम इसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं।
जैसे लाइट, लाइट के बहुत सारे फिल्टर्स हैं यहाँ पे, देखिए ये देखिए, बहुत ही बढ़िया फिल्टर्स हैं। एक बार आप यूज़ करेंगे तो मज़ा आ जाएगा आपको। देखिए मेरा नेट थोड़ा स्लो है, सो थोड़ी सी प्रोसेसिंग में टाइम लगा रहा है, देख सकते हैं आप कितना बढ़िया है। मेरा नेट थोड़ा स्लो है, सी यू कैन सी, मैंने गर्च का R2 लगाया है। ये देखिए आप अपनी इमेज पे पूरा ही अपनी इमेज को चेंज कर सकते हैं। देखिए ऐसा लग रहा है बारिश हो रही है पीछे से, बहुत ही बढ़िया व्यू आ रहा है। देखिए ये देखिए, कैसे भी आप मतलब फिल्टर यूज़ कर सकते हैं। देखिए कितना बेहतरीन लुक आ रहा है। देखिए बहुत सारे इसमें ऐसे ही फिल्टर आप यूज़ कर सकते हैं। देखिए रेन ड्रॉप्स, देखिए पीछे का बैकग्राउंड बिल्कुल ही चेंज हो गया। देखिए बहुत सारे हैं, पेपर्स में भी, पेपर, रेन ड्रॉप, ये सारे फिल्टर्स हैं, कॉस्मोस, ये देखिए इन सब पे आप क्लिक करके देख सकते हैं आपकी इमेज पे जो भी अच्छा लग रहा है आप यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए वाटर कलर का आपको दिखाती हूँ, इससे तो बिल्कुल ही मतलब चेंज हो जाएगी आपकी इमेज। ये देखिए कितना बेहतरीन बढ़िया एकदम लुक, ये देखिए पूरा कलर ही चेंज हो गया, देख सकते हैं आप। सो अब मैं आपको तीसरे फिल्टर के बारे में बताती हूँ, ये रहा क्रॉप। इससे आप अपनी किसी भी इमेज को क्रॉप कर सकते हैं, अगर आपको फुल में नहीं चाहिए तो आप क्रॉप भी कर सकते हैं। देखिए ये फ्री साइज है, ओरिजिनली सारे ऑप्शन दे रखे हैं। डिवाइस, अगर आपको मोबाइल में मोबाइल की तरह मतलब यूज़ करना है मोबाइल में, मोबाइल के ऐप को, तो फिर आप ये मोबाइल में सेव कर सकते हैं। फेसबुक का अगर ऐड आपको अपनी पे फेसबुक के ऐड में चाहिए तो आप ये वाला फिल्टर यूज़ कर सकते हैं। फेसबुक प्रोफाइल के लिए आप अपनी पिक को ऐड करना चाहते हो तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। फेसबुक इवेंट कवर के लिए आप ये यूज़ कर सकते हैं। देखिए फेसबुक प्रोफाइल के लिए अगर आपको अपनी पिक ऐड करनी है तो आप ये इस पर क्लिक कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शन है, लिंक्डइन, बहुत सारे फ्रेम्स भी दे रखे हैं आपको डिफरेंट डिफरेंट साइजेस के, तो आप ये सारे यूज़ कर सकते हैं यहाँ से। अब आप अपने रोटेट भी कर सकते हैं, अगर आपको टेढ़ा करना है अपनी इमेज को लाइक दिस तो कर सकते हैं आप। फ्लिप हॉरिजेंटल पे क्लिक करके टेढ़ा कर सकते हैं, फ्लिप वर्टिकल उल्टा भी कर सकते हैं अपनी इमेज को, देखिए क्लिक करके ऐसे। तो ये सारे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ये यहाँ पे ट्रांसफॉर्म का भी ऑप्शन है, इसमें आप अपनी इमेज को बिल्कुल, ये बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे दे रखे हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं यहाँ पे, ये है आप अपनी इमेज की लाइट को करेक्शंस कर सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे, जैसे ये क्लैरिटी का दिया है, क्लियर कर सकते हैं, ये शार्प कर सकते हैं अपनी इमेज को आप इसे यूज़ करके। तो बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं, देखिए आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए ये रहा, ये देखिए ब्लर कर सकते हैं बहुत सारे, देखिए स्प्लिट टून, आप इसमें क्या करते हैं अपनी पीछे का जो कलर है अपने अपने कलर के अकॉर्डिंग, जैसे ये ब्लू और येलो कलर दे रखा है पीछे, तो अगर आपको ये कलर नहीं चाहिए कोई और कलर चाहिए तो आप ये देखें आप इसको बढ़ा या कम कर सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए मैंने कलर कम कर दिया, तेज कर दिया, ये देखिए मैंने कलर को कम कर दिया, सॉरी ज़्यादा कर दिया, अभी देखिए कलर चेंज हो गया। तो ऐसे आप कर सकते हैं, ऐसे ही ब्लर भी कर सकते हैं आप, विंटेज भी कर सकते हैं, ये देखिए बहुत सारे ऑप्शन हैं यहाँ पे, तो आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें टेक्स्ट का भी ऑप्शन है, आप अपनी इमेज पे टेक्स्ट भी लगा सकते हैं, क्लिक करेंगे यहाँ पे तो फिर ये इमेज आ जाएगी, कहीं भी आप इसे ऐसे करके घुमा सकते हैं, अगर यहाँ लगानी है तो आप क्लिक करके कहीं भी ला सकते हैं। ये देखिए ऐसे मैं लेके आ रही हूँ, अगर आपको ये इमेज नहीं चाहिए तो आप ये क्रॉस के बटन पे निशान लगा दीजिए, क्रॉस हो जाएगी। बहुत सारे यहाँ पे इमेज दे रखी हैं, ये देखिए आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारी हैं। फॉन्ट आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ, कलर अलाइनमेंट्स बहुत सारे हैं यहाँ पे, कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब हम चलते हैं हमारे लास्ट फिल्टर पे, ये जो साइड में दे रखा है बिल्कुल, इससे क्या कर सकते हैं आप अपने, ये बेसिकली बॉर्डर्स के लिए है जो आप अपनी इमेज में देना चाहते हैं। ये देखिए, ये देखिए मैंने यहाँ बेसिक पे
मैं बताती हूँ पहले आपको बहुत सारे हैं, देखिए नॉर्मल, विंटेज, विंटेज ब्लंट, बेबल, बेबल ब्लैक, थिन, थिन ब्लैक, सर्कल वाइट, सर्कल ब्लैक, वर्टिकल सिल्क और वर्टिकल बॉर्डर। ये देखिए आप बॉर्डर भी दे सकते हैं, देखिए कितने बड़े बड़े, मैं दिखाती हूँ आपको। देखिए मैंने बेसिक का विंटेज पे क्लिक किया है, देखिए कितना बढ़िया बॉर्डर आ गया। ये देखिए अगर आपको बिल्कुल ब्लैक में अपनी इमेज चाहिए तो आप ये विंटेज ब्लैक पे क्लिक कर सकते हैं। देखिए ये अगर आपको अपनी फ्रेम एज अ सर्कल में चाहिए तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से देखिए बहुत ही प्यारा लग रहा है ये तो माशाल्लाह बहुत ही प्यारा लुक दे रही है। तो आप ऐसे करके कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, देखिए ये देखिए कोई भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए तो अभी तो मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, तो मैं आपको बता रही थी। सो ये बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप इसे कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो खैर ये मैंने एक इमेज ले ही रखी थी तो मैं इसी को ही, चलिए ये इमेज तो मैंने आपको दिखाने के लिए कही थी। तो अगर आपको इस ये इमेज को सेव करना है आपको, देखिए ये भी एक बहुत अच्छी इमेज बन गई। तो मैं इसे, आप भी यहाँ पे जाएंगे शेयर वाले बटन, पहले इस पे जाएंगे आप तो ये नॉर्मल वापस आ जाएगी। ये ऊपर भी फिल्टर दे रखे, देखिए ये नॉर्मल में मेरी इमेज आ गई, ये देखिए ये फिर वैसी आ गई। तो मैं आपको इसे, अब इसी इमेज को आपको फिल्टर लगा के दिखाती हूँ इसी इमेज पे आपको। सॉरी चलो ये मैं दूसरी इमेज ले लेती हूँ। तो इसे, इस इमेज को मैं सेव कर लेती हूँ लाइक दिस। या आप यहाँ जाके ये सेव टू गैलरी कर सकते हैं। सॉरी सेव टू गैलरी कर ली मैंने, तो ये मेरी गैलरी में सेव हो गई है। एक्चुअली नेट मेरा थोड़ा सा स्लो है तो इट विल टेक टाइम। मैं अपनी फ़ोटो को एडिट करके मैं अपनी दूसरी वीडियो में आपको दिखाऊंगी फ़ोटो एडिट कैसे करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए। थैंक यू।